नमस्कार दोस्तों, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने एक नया अनाउंसमेंट किया है कि जो भी एसबीआई के कस्टमर्स या उनके फैमिली मेंबर जिनको कोविड की शिकायत की वजह से ट्रीटमेंट लिया है, उनको एसबीआई ने एक नया पर्सनल लोन देने की घोषणा करी है जिसका नाम है एसबीआई कवच पर्सनल लोन। आइए हम इसके बारे में देख लेते हैं कि ये आपको क्यों मिलेगा, किस तरीके से मिलेगा और क्या क्या एलिजिबिलिटी रहेंगी। सबसे पहले आप ये समझिए, अगर आप एसबीआई के कस्टमर हैं, आपको या आपकी फैमिली के किसी भी मेंबर को कोविड की वजह से ट्रीटमेंट लेना पड़ा जिसमें अच्छा खासा खर्चा हुआ है, तो आपको ये लोन मिल सकता है। अब इसके अंदर क्या क्या किस किस को ये लोन मिलेगा, देखिए ये जो भी सैलरी अकाउंट होल्डर हैं एसबीआई के उनको मिलेगा, जिनकी पेंशन एसबीआई में आती है उनको मिलेगा, और जो नॉन सैलरी अकाउंट होल्डर हैं उनको भी मिलेगा। जो नॉन सैलरी अकाउंट होल्डर्स है यानी कि जिनका थोड़ा रिलेशनशिप अच्छा है एसबीआई के साथ फाइनेंशियली, यानी कि उनके ट्रांजैक्शन रेगुलर होते हैं एसबीआई के बैंक अकाउंट में, तो वो लोग इसके लिए एलिजिबल माने जाएंगे। अब हम बात कर लेते हैं ये लोन आपको कैसे मिलेगा। देखिए जनरली वैसे तो ये प्री अप्रूव्ड लोन के फॉर्म में योनो ऐप पर भी मिलेगा और आप ब्रांच में भी जाके इसको अवेल कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको ये सिर्फ योनो ऐप से ही अवेल करना है। अगर आपको योनो ऐप में ये नहीं दिख रहा, आप ब्रांच मैनेजर से मिलिए और अपने सारे दस्तावेज प्रस्तुत करिए, उनके आगे आपको ये लोन मिलेगा। ये लोन आपको एक पर्सनल लोन की तरह मिलेगा, एक टर्म लोन की तरह ये आपको मिलेगा। ये कम से कम 25,000 और मैक्सिमम 5,00,000 रुपए तक आपको मिल पाएगा, यानी कि जो मैक्सिमम इसकी रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत कम है, 8.5%, यानी कि लगभग आप ये समझिए कि ये होम लोन से 1% ऊपर ही मिलेगा आपको। 8.5% पर एनम इसकी रेट ऑफ इंटरेस्ट है, जो कि सबसे ज़्यादा यानी कि सबसे सस्ता जो पर्सनल लोन आज की डेट में कहीं भी मार्केट में किसी भी बैंक में मिल सकता है वो ये है। आपको 5 साल का टेन्योर मिलेगा लोन को रीपेमेंट करने का, मतलब 60 मंथ्स। आप 60 मंथ से कम का टेन्योर भी ले सकते हैं लोन रीपेमेंट के लिए। प्रोसेसिंग फीस आपको कोई नहीं देनी, इसके अंदर नील प्रोसेसिंग फीस है, और अगर आप चाहते हैं इसको जल्दी बंद करवाना तो भी आपकी फोर क्लोजर चार्ज और प्री पेमेंट पेनल्टी जीरो है, मतलब आप इसको कभी भी क्लोज कराइए, आपके ऊपर कोई पेनल्टी नहीं लगेगी। अब इसके अंदर जो सिविल स्कोर है वो आपका 700 के ऊपर होना चाहिए, चाहे आप सैलरीड क्लास है, नॉन सैलरीड क्लास है, चाहे पेंशनर है एसबीआई के। अभी जो पिछले हफ्ते जो मीटिंग हुई थी आईबीए की, जिसके अंदर एसबीआई के चेयरमैन सर श्री दिनेश खराजी ने ये घोषणा करी थी कि एसबीआई एक ऐसा लोन लेने जा रहा है, तो वो अब एसबीआई ने इसकी एक ऑफिशियली डिक्लेरेशन कर दिया है कि इस तरह का एक लोन हो चुका है, यानी कि जो अनाउंसमेंट इम्प्लीमेंट हो चुका है एसबीआई में। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपके भी कोई रिलेटिव या दोस्त जिनको कोविड की वजह से काफ़ी खर्चा उठाना पड़ा है हॉस्पिटल का, तो आप ये मेरा ये वीडियो उनको व्हाट्सअप करें, हो सकता है उनको ये लोन मिल जाए तो उनको काफ़ी हद तक राहत मिलेगी। और प्लीज़ मेरा वीडियो आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करवा के रखें बैंकिंग रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए। धन्यवाद फ्रेंड्स।